हर चौथी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है और हर छठी महिला की ब्रेस्ट कैंसर से मौत हो रही है। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि जब वो छोटी गांठ होती है तो वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते और वो छुपाते हैं ये चीज को। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? उनका हो रहा है, उनके परिवार वालों का हो रहा है। तो उन्होंने जब भी ऐसी कुछ गांठ रही डॉक्टर के पास आए, 2 महीना 3 महीना तक इंतजार ना करें, क्योंकि यही गांठ जो छोटी स्टेज में रहेगी, जैसे कि शून्य स्टेज या पहला स्टेज दूसरा स्टेज, बीमारी किसी के लिए रुकती नहीं है, बीमारी बढ़ते जाती है। और आप जितनी जल्दी जितनी छोटे स्टेज की बीमारी के साथ डॉक्टर के पास आएंगे उतना अच्छा इलाज रहता है। और इनफैक्ट पहले दूसरे स्टेज में तो 80% महिला 5 साल 10 साल से ज्यादा जीते हैं। सेहत की बात, ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए, अब आपकी स्पेशलिटी जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुँचाए। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। हेलो एवरीवन, हम डॉक्टर असफिया खान, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट कंसल्टेंट है सेठ नंदलाल दूत हॉस्पिटल में। मैम, ये जो वर्ल्ड कैंसर डे जो मंथ चल रहा है अभी, इसके बारे में अभी हम जो कैंसर के प्रमाण बढ़ रहे हैं, जिस कितने प्रकार के कैंसर अभी फिलहाल जो चल रहा है उसके ऊपर बताइए। अभी ऐसा है कि विश्व में सबसे ज्यादा जो कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, स्तन का कैंसर। और आप भारत में देखें तो भारत में भी सबसे कॉमन स्तन का कैंसर है। और ग्लोबोकैन का जो 2020 का सर्वे है, दुनिया का विश्व का जो सर्वे होता है, उसमें सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, गर्भपिशवी के मुंह का कैंसर, जिसे सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, तो दूसरे नंबर में है महिलाओं में। तीसरे नंबर में आपको जो अंडाशय होता है, ओवरी, उसका कैंसर है। चौथे नंबर में जो ओरल कैविटी का कैंसर होता है, मुँह का, होठों का कैंसर। और पांचवें नंबर पे रेक्टम का कैंसर, जो संडास के रास्ते का कैंसर रहता है। ये 5 किस्म के कैंसर लगभग 50% कैंसर का जो नए केस डायग्नोस होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भारत में हर साल 14 लाख नए पेशेंट्स को कैंसर होता है और ये नंबर बस बढ़ता जा रहा है। मैडम, अभी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है और लक्षण क्या क्या होंगे? ब्रेस्ट कैंसर के तो पहले लक्षण पे जाएंगे। इसके एक समझो 7 लक्षण होते हैं। पहला ये कि आपके छाती में एक गांठ हो, जो गांठ में दर्द ना हो। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी छाती में गांठ हो जिसमें दर्द ना हो, तो आपने ज़्यादा सतर्क होना चाहिए और डॉक्टर के पास सबसे पहले जाके कंसल्ट करें, क्योंकि 10 में से 8 कैंसर की गांठों में दर्द नहीं होता है। और दूसरा लक्षण ये रहेगा कि छाती का आकार बदल जाता है, स्तन का आकार। तीसरा ये कि स्तन के ऊपर की जो चमड़ी है वो संतरे जैसी हो सकती है, मोटी संतरे जैसी चमड़ी हो जाती है। चौथा कि जो निप्पल होता है, निप्पल का आकार बदल जाता है या फिर वो अंदर की तरफ चला जाता है। पांचवा ये कि आपको बगल में भी गिल्टी महसूस हो सकती है, बगल में गांठ आ सकती है। छठा ये कि आपका जो छाती का चमड़ी है वो भी अंदर की तरफ जा सकती है, इसको हम स्किन का पकरिंग ऑफ स्किन बोलते हैं। और सातवां ये कि अगर एडवांस स्टेज का कैंसर हो तो आपको बाकी कहीं तकलीफ हो सकती है, जैसे कि खांसी की तकलीफ या फिर हड्डियों में कहीं बीमारी हो, पीठ दर्द, उस हिसाब से तो वो हम वैसा उस हिसाब से डॉक्टर चेक करके आपके आगे के टेस्ट बोलते हैं। कैंसर के स्टेज कैसा ये होता है, कैसा डिटेक्ट किया जाता है? कैंसर डिटेक्शन के लिए अभी जैसे अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो इसको ट्रिपल टेस्ट से डिटेक्ट किया जाता है। पहली चीज़ तो ये कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन, तो डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि वो कैंसर की गांठ लग रही है कि नहीं। दूसरी चीज़, अगर इसमें कैंसर की गांठ नहीं है तो डॉक्टर आपको एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का कंसेप्ट सिखाते हैं कि महीने में खुद एक महिला ने कैसे अपने छाती को चेक करना चाहिए। और अब जैसे जो जो महिलाओं का महीना आता है, उन्होंने महीना जब खत्म हो जाता है उसके 5वें दिन पे खुद की छाती खुद चेक करनी चाहिए, उसका उसको कैसा उसका महसूस होती है खुद की छाती, वो हर महिला को पता होनी चाहिए। और एक बार आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बताएंगे कि किस किस्म से किस तरीके से चेक करते हैं। दूसरी चीज़, मैमोग्राफी। मैमोग्राफी एक छाती का एक्सरे होता है। तो ये वाला जो मैमोग्राफी का एक्सरे होता है, ये हम समझो इसमें दर्द नहीं होएगा अगर आप महीने के 5वें दिन के बाद करें, और जो लोगों का महीना खत्म हो गया है वो तो फिर इसे कभी भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर
डॉक्टर को इसमें कुछ डाउट लग रहा है, कुछ शंका लग रही है कि कैंसर हो सकता है, तो इसमें हम बायोप्सी करते हैं या फिर सुई की जांच एफएनईसी करते हैं और इससे हमें पता चलता है कि बीमारी कैसी है। अपन ब्रेस्ट के लिए ट्रीटमेंट कौन सी, किस तरह दिया जाता है और किस तरह इसे ब्रेस्ट को बचाया जा सकता है? ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट ऐसा रहता है कि ब्रेस्ट कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 0 से लेकर 4th स्टेज, मतलब ऐसे टोटल 5 स्टेज होते हैं। तो स्टेज 0 का मतलब ये होता है कि जो हमारे छाती में जहाँ दूध बनता है, वो दूध की जो ट्यूब होती है, नली होती है, सिर्फ उस तक ही सीमित होता है और फिर बाद में ये धीरे धीरे जैसे जैसे फैलता है उसके हिसाब से आगे के स्टेज होते हैं। तो अगर आप छोटी स्टेज में डॉक्टर के पास आए तो आपकी छाती बच भी सकती है, उसके अलावा आपको कीमो की भी ज़रूरत कई बार नहीं लगती है ऐसे ही। और फिर डिपेंड करता है आपकी रिपोर्ट के हिसाब से रेडिएशन लगेगा या नहीं लगेगा। और ऐसे अगर पहला स्टेज रहा या दूसरा स्टेज रहा तो इसमें कई बार छाती बचाने का भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कहते हैं, या फिर लंपेक्टॉमी, जहाँ जितना गांठ रहा उसके आसपास का गांठ के साथ थोड़ा नॉर्मल छाती का हिस्सा निकाल के आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे महिला जो है ब्रेस्ट का जो बताया जाता है गांठ होती है, जो नज़रअंदाज करती है या फिर पता भी चलता है तो उसे वो उसको सौंदर्य की वजह से बताती नहीं है, तो इसके ऊपर आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम महिलाओं को ये कहना चाहेंगे कि अभी ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन हो गया है, हर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, कि हर चौथी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है और हर छठी महिला की ब्रेस्ट कैंसर से मौत हो रही है। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि जब वो छोटी गांठ होती है तो वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते और वो छुपाते हैं ये चीज़ को, तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? उनका हो रहा है, उनके परिवार वालों का हो रहा है। तो उन्होंने जब भी ऐसी कुछ गांठ रही डॉक्टर के पास आए, 2-3 महीना तक इंतज़ार ना करें, क्योंकि यही गांठ जो छोटी स्टेज में रहेगी, जैसे कि 0 स्टेज या पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, बीमारी किसी के लिए रुकती नहीं है, बीमारी बढ़ते जाती है। और आप जितनी जल्दी जितनी छोटे स्टेज की बीमारी के साथ डॉक्टर के पास आएंगे उतना अच्छा इलाज रहता है। और इनफैक्ट पहले दूसरे स्टेज में तो 80% महिला 5-10 साल से ज़्यादा जीते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से 8 महिला 5 साल से ज़्यादा जीती है, 100 में से 80 महिला 8 साल से ज़्यादा जीती है, 10 साल से ज़्यादा जीती है। तो आपने बिल्कुल हॉस्पिटल आके चेक कराना चाहिए और बिल्कुल बीमारी से डरना नहीं चाहिए। और एक चीज़ ये याद रखना चाहिए कि अब इतने सारे आधुनिक तकनीक हो गई है, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो रेडिएशन हो, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे पता करने के टेस्ट हो, जैसे कि आजकल पेट स्कैन के साथ भी बायोप्सी होती है, पेट गाइडेड बायोप्सी बोलते हैं उसको। तो इसमें पेशेंट का टाइम भी कम वेस्ट होता है, जो पेशेंट को लगता है वक्त जा रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहे हैं, तो इसमें कम टाइम में भी जल्दी से टेस्ट से हमको पता चलता है कि बीमारी कौन से स्टेज की है एंड पेशेंट का ट्रीटमेंट टाइम पे करने से पेशेंट अच्छा लंबा सुखी जिंदगी के साथ बच जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के कुछ अनुवांशिक प्रकार प्रमाण होता है, कितने प्रमाण से होता है? ब्रेस्ट कैंसर जो अनुवांशिक है वो 10% से कम पेशेंट में अनुवांशिक होता है, जैसे कि उसमें आपके शरीर में ही कुछ जीन्स होते हैं, आपके शरीर में आपको वो आपके मम्मी की तरफ से या पापा की तरफ से वो आपके जीन्स में आते हैं, जीन्स कहते हैं जो हमारा एक जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है। तो इसमें एक BRCA1 म्यूटेशन होता है, इसमें P53 म्यूटेशन होता है, काफ़ी टाइप के म्यूटेशन होते हैं। वो अगर आपके अनुवांशिक कैंसर को समझो, ऐसे समझना चाहिए कि आपके घर में आपके मम्मी के साइड पापा के साइड काफ़ी लोगों को अगर ब्रेस्ट का कैंसर हो या फिर अंडाशय ओवरी का कैंसर हो, मेल्स में प्रोस्टेट का कैंसर हो, तो आपने डॉक्टर को आके बताना चाहिए। या किसी को एक साथ दोनों छाती में कैंसर पता चले, या 40 से कम उम्र में किसी को कैंसर हुआ हो, तो फिर इसके लिए अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करके हमें पता चलता है कि वो अनुवांशिक है। जैसा भी कैंसर होने के बाद ये खर्चे वाली बात होती है, सेठ नंदलाल धूत में महात्मा ज्योतिबा फुले अंतर्गत ये योजना होती है, ऐसे लोगों को पता भी है लेकिन लोग नज़रअंदाज करते हैं, तो ये खर्चे की वजह से नहीं बताते, तो ऐसे लोगों को क्या बताएंगे सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल के बारे में? हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, चाहे वो बेसिक कैंसर के मैमोग्राफी के टेस्ट से लेके, ब्लड टेस्ट से लेके, CT स्कैन, जो भी पेशेंट को जो टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है वो सब काफ़ी रिजनेबल रेट्स में होते हैं। एंड उसके अलावा योजना के अंदर हम आपका पूरा के पूरा रेडिएशन, कीमोथेरेपी, जो भी जैसा भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, हम आपका उसका पूरा ट्रीटमेंट योजना में मुफ्त में करते हैं।
तो आपने इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए कि पैसे लग रहे हैं, बहुत खर्चा हो रहा है तो ट्रीटमेंट नहीं लेना है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से महात्मा ज्योतिबा फुले है योजना है, और इसके अलावा काफी सारे कैशलेस योजना है, इंश्योरेंस है, प्रधानमंत्री योजना है, तो इसके तहत भी हम जैसा भी ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट का मुफ्त में ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसका हम पूरा पूरा पेशेंट ने ये सुविधा का लाभ उठाना चाहिए, इसका ही हम प्रयत्न करते हैं। मैम आपने जैसा है कि अभी तो ब्रेस्ट कैंसर के काफी पेशेंट देखे होंगे, इसके बचने के लिए क्या उपाय है बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? ब्रेस्ट कैंसर जो है एक जिसको हम कहते हैं मल्टीफैक्टोरियल डिजीज, कहीं वजह के वजह से होती है, कुछ वजह ऐसी होती है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाइबल फैक्टर जिससे हम बच सकते हैं, और कुछ जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है। अब मॉडिफाइबल फैक्टर्स में देखो क्या क्या है, आपका बहुत ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, वजन कम रहा तो ब्रेस्ट कैंसर होने का महिलाओं में रिस्क कम रहता है। उसके अलावा शादी होने के बाद बच्चा जितनी जल्दी हो सके, वो भी एक तरह से आपका प्रेगनेंसी, पूरे 9 महीने की फुल टर्म प्रेगनेंसी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है, बच्चों को छाती से दूध पिलाना चाहिए। उसके अलावा काफ़ी सारे विटामिन डिफिशियंसी लोगों को होती है जो खाना ठीक से नहीं खाते, तो ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी हुई, विटामिन सी, ई, डी, इसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस रहता है। तो इसके लिए खाना बराबर से हमने पौष्टिक आहार लेना चाहिए। उसके अलावा आपको जो है, जो अब हम बात करेंगे नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर की, जैसे कि आप महिला हो तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है, इसीलिए आपने 40 साल की उम्र के बाद मैमोग्राफी की साल में एक बार चेकअप डॉक्टर के पास जाके कराना चाहिए, और अपना पुराना मैमोग्राफी फिल्म भी संभाल के रखना चाहिए ताकि हर साल डॉक्टर उसको कंपेयर करके बताए कि आपको कैंसर का कुछ रिस्क है या नहीं है। तो हमारा सारे दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको कुछ तकलीफ हो आप डॉक्टर के पास जाए, तकलीफ ना हो कोई गांठ में तो और भी बिल्कुल आपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और कैंसर को कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकती है ऐसी बीमारी के दृष्टिकोण से देखें। धन्यवाद। आरोग्य जागृति।